हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो है ट्वी ब्रो ऑफिशियल के चैनल से। मैं काफी दिनों के बाद इनका कोई वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम वीडियोस डालते हैं एंड जब वीडियोस डालते हैं तब मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ मेबी, या जो भी है। सो आज का वीडियो है फीफा फुटबॉल जो हो रहा है कतार में, हाँ उसी के ऊपर है, जिसमें पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन बस इतना सा है मेबी, या शायद कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो खेलता है नहीं फीफा में एंड कंट्रीब्यूशन जीरो है। लेकिन पाकिस्तानी पीछे कहाँ हटने वाले हैं अपना कंट्रीब्यूशन बताने के लिए। सो आज के वीडियो में बस यही पता चलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फुटबॉल के आलमी कप में मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार की गई फुटबॉल इस्तेमाल होगी। अच्छा, और पाकिस्तान? लेकिन खुद पाकिस्तानी फुटबॉल टीम इन सबसे कोसों दूर है। बस हवा निकल गई। मतलब भाई पाकिस्तान की बनी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में क्या पहुंच गई? पोर्कियों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ है जैसे मंगल ग्रह पर सैटेलाइट पहुंचा दिया हो। जिस भी पोर्की को देखो पाकिस्तानी फुटबॉल की तारीफ में फटा जा रहा है। दुनिया की बेस्ट फुटबॉल पाकिस्तान में बनती है, और दुनिया के बेस्ट आतंकवादी भी तो पाकिस्तान में ही बनते हैं। उसके बारे में भी कुछ बोल। देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की। साला पाकिस्तानी फुटबॉल टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में 211 देशों में 194 नंबर पर आते हैं, और तो और फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग देखते हुए भी पोर्की एक दूसरे से ये कहते हुए पाए जाते हैं। नीचे से चेक कर। लेकिन पाकिस्तान में बनी फुटबॉल की तारीफ ऐसे करते फिर रहे हैं जैसे फुटबॉल नहीं पाकिस्तानी टीम ही फीफा वर्ल्ड कप में पहुंच गई हो। बंदों ने यहां तक कह दिया कहीं कंट्रीब्यूशन हो ना हो, हमारी टीम खेले या ना खेले फीफा वर्ल्ड कप में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट जरूर। हाँ, ये तो इतना तगड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसके बिना तो खेल ही संभव नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा देश तो जैसे फुटबॉल बनाता ही नहीं। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, कंट्रीब्यूशन पर बकचोदी तो ऐसे पेल रहे हो जैसे फीफा वर्ल्ड कप के लिए फ्री में फुटबॉल दे रहे हो। साला एक दो कोरी के लिए अपनी फौज को कतर में सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रख दिया है और तुम कंट्रीब्यूशन दोगे। पाक आर्मी के नाम एक और एहसास, आर्मी के ऑफिसर्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी संभालने के लिए कतर रवाना। इसे बोलते हैं असली तरक्की, आर्मी ऑफिसर से सीधा सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन पाकिस्तानी फौज की इस उपलब्धि के बाद भी पोर्कियों का मनोबल गिरा नहीं है, बल्कि उनका अपनी फौज की तारीफ में कहना है, ये शानदार स्टेडियम्स जिनमें दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स पाकिस्तान में बने फुटबॉल से खेलेंगे और पाकिस्तानी फौजी जवान इनकी हिफाजत करेंगे। मतलब जिन फौजियों की हिफाजत खुद का मुल्क नहीं कर पा रहा, थोड़े से पैसों के लिए दूसरे देशों को अपनी फौज किराए पर दे रहा है, उस देश के फौजी दूसरे देश में जाकर लोगों की हिफाजत करेंगे। यानी ये अब इस हद तक गिर चुके हैं पैसों के लिए कि ये अब सिक्योरिटी गार्ड बन गई है पाकिस्तान की फौज दूसरे मुल्कों के लिए, किराए पे मौजूद है, जो मर्जी आए और ले ले, 150 रुपया देगा भाई पाकिस्तान का। सही है, चीन से कर्जा लेने के लिए चीन को पाकिस्तानी लड़कियां किराए पर दे दो, कतर से भीख मांगने के लिए पाकिस्तानी फौज किराए पर दे दो, हर तरफ से कमाई। पैसा ही पैसा होगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप को लेकर जोश अपने चरम पर है। पहला इनकी फुटबॉल कतर ने खरीद ली, दूसरा इनकी फौज कतर ने किराए पर ले ली, और तीसरा फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। हाँ। और इसमें से इत्तेलाती है कि एक स्टेडियम पाकिस्तान को मिलेगा। भाई दरअसल माजरा क्या है कि कतर में बनाए गए 8 स्टेडियमों में से 2 स्टेडियम ऐसे हैं जिनको समुद्री शिप के कंटेनर और स्टील से बनाया गया है जो पोर्टेबल हैं, यानी इन स्टेडियम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा सकता है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने कतर से स्टेडियम की भी भीख मांग डाली, और उधर कतर पाकिस्तान से अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। मतलब खेलने के लिए पोर्कियों के पास कोई ढंग की फुटबॉल टीम नहीं और इन्हें स्टेडियम चाहिए, जबकि बंदे खुद ही कहते फिरते हैं हमारी फुटबॉल के अलावा कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। सर वो दिन कब आएगा जब हमारी टीम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलेगी? भाई कभी नहीं आएगा, और इसका कारण भी पोर्की खुद ही बताएंगे। दुनिया भर में ये अमीरों का खेल है और पाकिस्तान में ये गरीबों का खेल है। साला, गरीब कहीं का। भाई फीफा वर्ल्ड कप का जितना हल्ला तो खुद वर्ल्ड कप खेलने वाले देशों ने भी नहीं मचा के रखा है, जितना इन पोर्कियों ने फीफा वर्ल्ड कप ना खेलने के बाद मचाया हुआ है। और इसका कारण एक इवेंट का पूरी दुनिया में इंतजार था, और वो है फीफा वर्ल्ड
वर्ल्ड कप जो पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क में हो रहा है। हाँ, जैसे अगर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले किसी देश में होता तो जैसे फीफा वर्ल्ड कप का किसी को इंतजार ही नहीं होता। अरे तुम्हारी बहन का पोरकी मारूं, मजहब के पिछवाड़े में ही सिर डालकर रहना, कभी बाहर मत निकल जाना। भाई इन पोरकियों की हरामजादगी इतनी ज्यादा है कि साले हर जगह खेल से आगे मजहब को प्रमोट करेंगे। और यही वजह है कि जहां पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप कतर की आलोचना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप की तारीफ में फटा जा रहा है, क्योंकि इनकी बिरादरी का देश जो आयोजन कर रहा है। पहली बार किसी मुसलमान मुल्क में मुनक्किद होने वाला ये वर्ल्ड कप तारीख का महंगा तरीन इवेंट करार दिया जा रहा है। महंगा? मुझे तो भाई मीडिया की बकचोदी समझ नहीं आती। उधर कतर ने पूरे देश का बजट फीफा वर्ल्ड कप में घुसेड़ कर रख दिया है, और इधर मीडिया की माने तो ये दुनिया का सबसे महंगा इवेंट है। और वहीं दूसरी तरफ इस इवेंट की सच्चाई फीफा वर्ल्ड कप आयोजन में खर्च हुई धनराशि $220 अरब बताई जा रही है। और जिन चीजों पर ये धनराशि खर्च की गई है वो है मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, नई सड़कें, इनोवेटिव हब कॉम्प्लेक्स, करीब 100 नए होटल और मनोरंजन की कई चीजें, जिनका स्टेडियम से कोई लेना देना ही नहीं। ये सारी परियोजनाएं कतर नेशनल विजन 2030 का हिस्सा हैं। अब जब सालों मुल्क की परियोजनाओं का बजट भी फीफा वर्ल्ड कप में घुसेड़ कर दिखाओगे तो इवेंट का खर्चा ज्यादा नहीं दिखेगा। और भाई फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर के नियम, समलैंगिक लोगों पर बैन, शराब पर बैन, खुद की पसंद के कपड़े पहनने पर बैन, अनमेरिड कपल के लिए रेंट पर रूम बैन, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खुले में प्रार्थना करने पर बैन। अरे तुम्हारी बहन का कतर मारूं, दूसरे देशों में जाकर तुम उनके ग्राउंड पर कितना भी धर्म का प्रचार करो उसका कुछ नहीं, पर अगर कोई तुम्हारे देश में आकर प्रार्थना भी करना चाहे तो बैन। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। अबे फीफा वर्ल्ड कप का ये लोगो हटाकर उस्तरा लगा लो। वैसे भी तुमने खेल को खेल रहने कहां दिया है, धर्म प्रचार करने का अड्डा बनाया हुआ है। अब बस फुटबॉल खेलने आए खिलाड़ियों का खतना होना बाकी है, वो काम कतर में मौजूद जाकिर नाइक करा ही देगा। और भाई उधर पोरकी फीफा वर्ल्ड कप के मैच से पहले अर्जेंटीना को फुल सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। मेरी तो फेवरेट टीम है जर्मनी, लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा है जो अर्जेंटीना का मेसी। अर्जेंटीना मेरा टीम है, अगर जीत गया पूरे लोगों को मैं लॉन्च में घुमाऊंगा। और जैसे ही सऊदी अरब जीता, और सऊदी अरब की जीत पर लियारी में भी फैंस ने भरपूर जश्न मनाया। देखो देखो कौन आया, सऊदी आया, सऊदी आया के नारे लगा दिए। अब भाई यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इन पोरकियों में अपने धर्म को लेकर कट्टरता किस कदर कूट कूट कर भरी हुई है। भाई वो तो अच्छा है कि पाकिस्तानी टीम फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही, तो ये हालत है। अगर फीफा वर्ल्ड कप खेल रही होती तो ये साले मजहब के नाम पर स्टेडियम में जाकर खुद को उड़ा लेते और फीफा वर्ल्ड कप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कंट्रीब्यूशन है यार आखिर पाकिस्तानियों का, मतलब फुटबॉल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप में। लेकिन कोई बात होती है यार जब उनकी टीम वहां खेलती। वैसे मजहब के नाम पर, मतलब कास्टिज्म एंड रिलीजन के नाम पे तो पता नहीं इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इतना कुछ हो रखा है कि क्या ही बताना। कहीं रेसिज्म होते रहती है और कहीं इस तरह के हरकतें जो आपने आज के वीडियो में देखा, मतलब ये काफी ज्यादा गलत लगा मुझे कि भाई आप प्रार्थना भी नहीं कर सकते। अलग अलग धर्मों के जो भी लोग आए हुए हैं उन्हें अपना रिलीजियस एक्टिविटीज करने से बैन कर दिया गया है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और रहा बात फुटबॉल का, जो फीफा का जो भी बजट है वो इतना ज्यादा क्यों है, वो तो आप सबने देख ही लिया भाई वीडियो में। मतलब गजब है भाई, लोगों को चूना लगाना और मतलब क्या बोलूं, उल्लू बनाने वाला काम सही है कि भाई इतना ज्यादा बजट है भाई फीफा का। लेकिन आखिर हुआ क्या है भाई, कतार का ही अपना रेनोवेशंस हुआ है, अपना रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एंड ऑल का सब डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये सारी चीजों को बस जोड़ दिया गया है फीफा के साथ और कुछ नहीं। सो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी स्टेडियम एंड फीफा से रिलेटेड जो भी अगर होता तो वो अलग बात है, लेकिन ये तो अपने ही डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड अपना ही फिर नाम कर दे रहे हैं, बस फीफा का टैग लगा दे रहे हैं कि भाई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना ये है। लेकिन हाँ बड़ा तो है, सारे देशों के लिए ये बड़ा है, वो बात अलग है कि भाई पाकिस्तान के लिए काफी छोटा चीज है, क्योंकि ये तो गरीब लोग खेलते हैं, अमीरों की खेल नहीं है। अमीरों की खेल तो भाई शायद क्रिकेट ही है इन लोगों के लिए। सो गाइस आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर से ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले और जितनी हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड सबके साथ शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।